कोनोहा गाकुरे विलेज हिडन इन द लीव्स या फिर हिडन लीफ विलेज लैंड ऑफ फायर का हिडन विलेज था। फाइव ग्रेट शिनोबी कंट्रीज में से एक कोनोहा के लीडर को होकागे कहा जाता है और अब तक कोनोहा के इतिहास में 7 होकागे बन चुके हैं। कोनोहा चारों तरफ से पेड़ और जंगल से घिरा हुआ है और इसके होकागे रॉक माउंटेन पर अब तक के बने सभी होकागे के फेसेस को बनाया गया है और बड़े दीवारों से ये विलेज घिरी हुई है। सबसे ताकतवर निंजा विलेज होते हुए कोनोहा ने कई सालों तक अपने विलेज में पीस बनाए रखा। कोनोहा के शिनोबी ब्लू या ब्लैक टी शर्ट पहनते हैं सेम कलर के पैंट्स के साथ और ग्रीन कलर के जैकेट्स जिसके पीछे रेड स्वर्ड सिंबल बना होता है। जैकेट के फ्रंट पर 2 पॉकेट्स होते हैं और वो लोग हमेशा अपने पैरों पर बैंडेजेस लगाए रहते हैं। बात करें कोनोहा के निर्माण और रचना के बारे में तो वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के दौरान बहुत से कबीले हुआ करते थे जो सिर्फ एक दूसरे से लड़ना जानते थे। इनमें से 2 कबीले उचिहा और सेंजू दोनों पूरे इतिहास में सिर्फ एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। जब हाशिरामा सेंजू अपने कबीले का मुखिया बनता है वो उचिहा कबीले के साथ अपनी दुश्मनी खत्म करने की कोशिश करता है। अपने बचपन के दोस्त और उचिहा कबीले का मुखिया मादारा उचिहा के साथ उन दोनों के मिलने से और भी कबीले उनके साथ जुड़ने लगे और इसी तरह पहले शिनोबी गांव की शुरुआत हुई कोनोहागाकुरे जिसे मादारा ने नाम दिया था। कोनोहा की तरह और भी गांव बनने लगे जिससे लड़ाइयां कम होने लगी। हाशिरामा ने अपने वुड रिलीज से गांव की संरचना में काफी मदद की। उसके इस काबिलियत और सोच की वजह से उसे गांव का लीडर होकागे पद के लिए चुना गया जिससे मादारा ये सोचने लगा कि उसके कबीले को नीचा दिखाया जा रहा है। इसीलिए वो अपने कबीले को भड़काता है गांव की सत्ता हासिल करने के लिए पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। मादारा हाशिरामा से खुद लड़ने जाता है। उनकी लड़ाई से वैली ऑफ द एंड बनता है और सब मादारा को मरा मान लेते हैं। इस लड़ाई के बाद कोनोहा के पास 9 टेल्स आ जाता है जिसे रखने के लिए वो उसे उजुमाकी के अंदर सील करते हैं जिनके साथ सेंजू और कोनोहा के अच्छे रिश्ते थे। एक समय पर हाशिरामा ने लगभग सभी टेल 20 को पकड़ लिया था और पहले शिनोबी विश्व युद्ध के दौरान उन्हें दूसरे गांव को बेच दिया शांति बनाए रखने के लिए जो बस कुछ वक्त के लिए ही रहती है और हाशिरामा की मृत्यु हो जाती है जिसके बाद होकागे पद की जिम्मेदारी हाशिरामा के छोटे भाई तोबीरामा को दे दी जाती है जिसकी मृत्यु भी उसी युद्ध के दौरान हो जाती है। पर किंकाकू के हाथों मरने से पहले वो हिरुजन सारुटोबी को थर्ड होकागे बना देता है। सालों बाद दूसरे शिनोबी विश्व युद्ध के दौरान हिरुजन सैंड और स्टोन विलेज से लड़ता है रेन विलेज को लड़ाई का मैदान बनाकर। रेन विलेज का लीडर हांजो भी कोनोहा से लड़ता है। हिरुजन के शिष्य जिराया सुनाडे और ओरोचिमारू से इम्प्रेस होकर हांजो उन्हें सानिन का नाम देता है। तीसरे शिनोबी विश्व युद्ध के दौरान कोनोहा स्टोन विलेज से लड़ता है। कोनोहा हारने ही वाला होता है पर मिनातो नामिकाजे और उसकी टीम कोनोहा को युद्ध जीतने में काफी मदद करती है। युद्ध के खत्म होने के बाद हिरुजन मिनाटो को फोर्थ होकागे बना देते हैं जिसके कुछ वक्त बाद एक नकाब पहना आदमी मिनाटो की पत्नी कुशीना उजुमाकी का अपहरण कर लेता है जो 9 टेल्स की झिंचूरी की थी। उनके बच्चे नारुतो के जन्म होने के बाद वो 9 टेल्स को उसके अंदर से बाहर निकाल लेता है कोनोहा पर हमला करवाने के लिए। मिनाटो उस आदमी को हरा देता है और फिर 9 टेल्स को रोकने जाता है। गांव को बचाने के लिए मिनाटो और कुशीना 9 टेल्स को अपने बच्चे के अंदर सील कर देते हैं। गांव को बचाते हुए बहुत से शिनोबी मरे और गांव वाले नारुतो को इसका जिम्मेदार ठहराने लगे। हिरुजन फिर से होकागे बनता है और 9 टेल्स के बारे में बात करने से सभी को मना करता है ताकि उनके बच्चे नारुतो से नफरत ना करे। कोनोहा और स्टोन विलेज अपने बीच लड़ाई खत्म करने के लिए एक समझौता बनाते हैं जिस पर दस्तखत करने के लिए स्टोन विलेज का हेड निंजा आता है। उस दिन हिनाता युगा के जन्मदिन की 3री सालगिरह थी। स्टोन विलेज का हेड निंजा हिनाता का अपहरण कर लेता है ब्याकुगान और उसके रहस्य को जानने के लिए पर हिनाता के पिता हियाशी युगा हेड निंजा को मार देते हैं। कोनोहा लीडरशिप ने ये मान लिया था कि 9 टेल्स के अटैक के लिए उचिहा कबीले जिम्मेदार हैं। इस बात से नाराज होकर उचिहा कबीले वाले कोनोहा का सत्ता हासिल करने के लिए षड्यंत्र बनाने लगते हैं पर कुछ उचिहा इससे मंजूर नहीं थे। इताची उचिहा कोनोहा लीडर्स को इसके बारे में बताता है और डांजो शिमुरा इताची को
को उसके छोटे भाई सास्के को जिंदा रखने के बदले उससे उसके कबीले को मारने कहता है। इताची तोबी की मदद से ऐसा करता है पर अपने छोटे भाई को यकीन दिलाता है कि उसने ये सब कुछ अकेले और अपने मतलब के लिए किया ताकि सास्के उसे मारकर उसे इसकी सजा दे। चुनिन एग्जाम के आखिरी चरण में सैंड विलेज और साउंड विलेज मिलकर कोनोहा पर हमला करते हैं उसकी शांति और समृद्धि को खत्म करने के लिए। उन्हें रोकते हुए हिरुजन और बहुत से लीफ शिनोबीज की जान चली जाती है जिसके बाद सुनाडे को फिफ्थ होकागे बनाया जाता है। गांव धीरे धीरे ठीक होने लगता है पर उनके पास शिनोबी की संख्या कम हो गई। सास्के उचिया भी गांव छोड़कर चला जाता है। 3 सालों बाद अकात्सुकी का लीडर पेन नारुतो को पकड़ने के लिए कोनोहा पर हमला करता है। 6 पास ऑफ पेन कोनोहा के बहुत से शिनोबी और विलेजर्स को मार देते हैं और आखिर में शिनरा टेंसे से पूरे कोनोहा को बर्बाद कर देता है जिसके तुरंत बाद ही नारुतो वापस आता है और सभी पेन्स को हराने के बाद नागाटो से मिलता है। नारुतो नागाटो को उसकी गलती का एहसास दिलाता है और नागाटो अपनी गलती सुधारने के लिए उसके हाथों मारे लोगों को जिंदा कर देता है। कोनोहा को पेन से बचाते हुए सुनाडे कोमा में चली जाती है और डांजो शिमुरा को उसकी जगह दे दी जाती है कुछ वक्त के लिए। डांजो कोनोहा को बनाने की शुरुआती देखरेख करता है। सभी गांव वाले कोनोहा को ठीक करने में लग जाते हैं। उनका मानना था कि कोनोहा होकागे रॉक के पास ही रहना चाहिए। अकात्सुकी को रोकने के लिए सभी शिनोबी नेशंस अलाइड फोर्सेस बनाते हैं 4th शिनोबी विश्व युद्ध में अकात्सुकी से लड़ने के लिए जिसके कुछ वक्त बाद डांजो की मौत हो जाती है और किस्मत से सुनाडे को होश आ जाता है। कोनोहा में उन सभी लोगों को जगह दी जाती है जहां लड़ाई होने की संभावना थी। युद्ध जीतने तक सभी गांव बन चुके थे। कोनोहा ने भी काफी कुछ खोया पर वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद 6th और 7th होकागे की देखरेख में कोनोहा पहला महानगर बनता है लैंड ऑफ फायर में। वो दुकानें जो कोनोहा के निर्माण के समय से थी वो 2400 घंटे चलने वाले व्यापार में बदल गए और गांव की आबादी भी बढ़ गई जिसके बाद कोनोहा अकेडमी में सामान्य अध्ययन के विभाग में विद्यार्थी बढ़ने लगे और निंजुत्सु विभाग में कम होने लगे। कोनोहा मिलिट्री पुलिस फोर्स और ओनबू फोर्सेस में फंडिंग कम करने लगा ताकि वो दूसरे कामों को बढ़ा सके। कोनोहा गांव होकागे पत्थर के पीछे भी बढ़ने लगी। थंडर रेल लगाने के बाद कोनोहा गांव से शहर में बदलने लगा। ओसुसुकी आक्रमण के 4 साल बाद कोनोहा और होकागे पत्थर तबाह हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था इतिहास कोनोहा गाकुरे का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।